हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं होली व दीपावली पर बनाए जाने वाली मीठी व खस्ता गुजिया। गुजिया में हम खोया व ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग करेंगे और बाद में इसे चाशनी में डुबोकर ठंडा करेंगे। तो आइए जल्दी से बनाते हैं मावे की मीठी गुजिया। सबसे पहले हम गुजिया के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 चुटकी नमक। इन्हें अच्छे से मिक्स करिए। अब इस आटे में हम 3 बड़े चम्मच घी के डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कुछ ब्रेड क्रम्स जैसा टेक्सचर हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम आटा लगाएंगे। हमें आटा ना ज़्यादा सख्त चाहिए ना ही ज़्यादा नरम। इतना आटा लगाने के लिए मुझे आधे कप से थोड़ा कम पानी लगा है। आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम गुजिया की स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1/2 कप खोया, 1/2 कप पिसी हुई चीनी। चीनी को हम छानकर काम में लेंगे। 1.5 बड़ा चम्मच नारियल। मिक्स ड्राई फ्रूट्स लेंगे। इसमें मैंने लिए हैं 1 से 2 चम्मच किशमिश, 1.5 बड़ा चम्मच काजू के टुकड़े, 1 बड़ा चम्मच बादाम के टुकड़े, 2 से 3 इलायची का पाउडर और 1 से 2 चम्मच घी। एक नॉनस्टिक पैन में घी और खोया डालकर गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखते हुए खोया को लगातार चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक सेकेंगे। खोया सिकने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडे खोए को हल्के से मसल लेंगे। अब इसमें पिसी चीनी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, 1 चम्मच चिरौंजी और नारियल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुजिया बनाने के लिए आटे को मसल कर हम चिकना कर लेंगे। फिर इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़कर किसी बर्तन में रख के उसे ढक देंगे। एक पेड़ा लेके उसे गोल करेंगे। थोड़ा आटा लगाकर बेलन की सहायता से गोल पूरी बेल लेंगे। आप चाहें तो पूड़ी को चिकना करके भी पूड़ी बेल सकते हैं। पूड़ी को हाथ में उठाकर इस पे लगे एक्सेस आटे को हटा लेंगे और तैयार पूड़ी को किसी प्लेट में रख के गीले कपड़े से ढक देंगे। गुजिया की फिलिंग करने के लिए एक पूड़ी लेंगे। इसके किनारों पे हम पानी लगाएंगे। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच मावे की फिलिंग डालेंगे। ध्यान रहे फिलिंग किनारों पे ना हो। अब किनारों को आपस में मिलाते हुए चिपका लेंगे। चिपके हुए किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जिससे गुजिया की फिलिंग बाहर आने का डर नहीं रहेगा। आप चाहे तो फॉर्क गीला करके भी किनारों को दबा सकते हैं। इसी तरह से सारी गुजियाओं को तैयार करके किसी ट्रे या प्लेट में रख के गीले कपड़े से ढक देंगे। अब हम इन तैयार गुजियाओं को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी को लो फ्लेम पर गर्म किया है। घी का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसमें आटे का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे। अगर ये आटे का टुकड़ा धीरे से ऊपर आता है मतलब हमारा घी गुजियाँ तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस गर्म घी में हम धीरे से 2-3 गुजियाएँ डालेंगे। और इन्हें बीच बीच में हिलाते हुए वे उलट पलट करते हुए दोनों तरफ से सुनहरी होने तक तलेंगे। तली हुई गुजियाओं को बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी गुजियाओं को भी तल लेंगे।
गुजिया के लिए हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में हम एक कप चीनी, आधा कप पानी लेंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी न घुल जाए और उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद थोड़ी देर में चेक करेंगे। चेक करने के लिए एक प्लेट में एक बूंद चाशनी की डालेंगे। कुछ देर ठंडा करके इसे चेक करेंगे। अगर एक तार बन जाता है मतलब हमारी चाशनी तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चाशनी में केसर और इलायची डालकर मिक्स करेंगे। इसे कुछ मिनट्स के लिए ठंडा होने देंगे। गुनगुनी चाशनी में एक एक करके गुजियाओं को डाल के निकाल लेंगे। तैयार गुजियाओं को ठंडा होने देंगे। ठंडी गुजियाओं को एयरटाइट डिब्बे में डालकर स्टोर किया जा सकता है। हमारी मीठी व क्रिस्पी गुजियाएं बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरी वेबसाइट को विज़िट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।